मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है भालू, ये क्या है, सांप। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हम अपना बैल पड़ाव रेंज। ये कर दी हमने गेट से एंट्री और आप देख सकते हैं ये व्यू जो अभी देख रहे हैं आप, ये नज़र आ रहा है आपको, अगर अच्छी रोशनी नज़र आ रही है तो ये सुपर व्यू में बन रही है वीडियो 4K 30 FPS सुपर व्यू। और आज एक अलग व्यू इसलिए लग रहा है देखने में क्योंकि ये है ना, मैं नहीं देख रहा हूँ तो सुपर व्यू में तो अपना भी आएगा। तो ये वीडियो बन रही है मीडिया मोड से, जी हाँ, GoPro 12 ब्लैक मीडिया मोड के साथ। और आवाज़ पहले भी माइक लगाता था मैं हेलमेट के अंदर और अब ये माइक है, वो आप अंतर बताएंगे मुझे कमेंट करके। देखिए आते आते रात हो ही जाती है मुझे पता है, जो कि हो गई है। और अभी यहाँ वीडियो बन रही है तो अभी देख पा रहे हैं आप, बहुत अच्छा व्यू मेरे ख्याल से नज़र आ रहा होगा आपको। बाकी देखते हैं कोई वाइल्ड लाइफ क्रॉस करती है या दिखती है, वो हम मोबाइल से लेने की कोशिश करेंगे और GoPro से जितना आ जाए उतना अच्छा है, जो कि मुश्किल से ही आएगा, लेकिन इस एरिया में हम वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं। ये क्या है, सांप ना, लकड़ी है। ऐसे ही लगता है बरसात का टाइम है, सांप हमें बहुत नज़र आते हैं इसलिए हमें लगा कि सांप है। छोटे भाई को भी लगा, मुझे भी लगा। और पीछे कोई गाड़ी आ रही है क्या? और कोई गाड़ी? अच्छा, तो दोस्तों ये है लगभग टाइगर, भालू और लेपर्ड की टेरिटरी, ये जो एरिया है यहाँ से अक्सर गुजरते हुए देखा गया है उनको। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है भालू और अक्सर बैंड पर ही निकलते हैं। ये देखिए बैंड पर ओवरटेक मार रहे हैं हमें, ऐसे भी कुछ लोग हैं। और बैंड पर देखो आगे आ गया, रोक दी बिल्कुल। अरे हल्के ही चल रहे हैं आप, जब आप हल्के चलेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अच्छे से चल पाएंगे और वाइल्ड लाइफ भी सुरक्षित रहेगी और आप भी। तो बाद में ऐसा हो गया वैसा हो गया कहते हैं, तो खैर कोई नहीं। अभी ये जो जंगल है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, दोनों तरफ घना जंगल है, घास देख रहे हैं आप। ये टाइगर के प्रॉपर साइंस हैं, मतलब यहाँ आसपास कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा ज़रूर जाएगा, हमें नहीं मिला है भले। अब यही होता है ना, देखिए हम यहाँ के रहने वाले हैं और रोज़ आना जाना कर रहे हैं, तब जाके हमें टाइगर नहीं दिखा, सिर्फ उसके पगमार्क देखे हैं। लेकिन जो पगमार्क देखे हैं वो बहुत बड़ा टाइगर है, तो अच्छा टाइगर यहाँ पे टेरिटरी में होगा, उसका आमना सामना पक्का स्लोथ बियर से ज़रूर होता होगा, क्योंकि स्लोथ बियर यहाँ घूमते हुए कई बार दिखे हैं, काफ़ी गाँव वालों ने बताया है, काफ़ी लोकल्स जो हैं उन्होंने बताया है। बाकी अब आवाज़ कैसी है कैसी नहीं है वो फीडबैक आप लोग देंगे कमेंट करके, मैं तो अपना नॉर्मली जैसा बोलता हूँ वैसे बोल रहा हूँ और मज़ा आ रहा है मुझे तो, आपको कैसा लग रहा है वो बताइएगा। बाकी वीडियो भी बन रही है जितनी, क्योंकि ये घना एरिया है तो इसलिए लगातार बन रही है वीडियो। और बैटरी जो है अभी लगभग सुपर व्यू में ड्रेन होती है बैटरी, 18% थी, 13% बची है, देखते हैं कब तक कहाँ तक चलती है। और ये जो बैंड आने वाला ये भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त बैंड है। ओ वाह, हरियाली ही हरियाली है, देख लें आप। यहाँ पे भी हाथी क्रॉस करते हुए देखे गए हैं काफ़ी बार, हमने दिखा भी रखे हैं आपको, यहाँ नहीं दूसरी जगह, लेकिन कभी भी आगे जो है हाथी आ सकता है सड़क पर। और बाकी आप व्यू देख सकते हैं, आई होप आप लोगों को पसंद आ रही होगी ये नाइट ड्राइव, कह लें नाइट राइड इन दी जंगल, सुंदर नज़ारे, हरा भरा जंगल। बाकी जैसा मुझे GoPro में नज़र आ रहा है, मैं अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि हमने जो है अपनी बाइक की सर्विस कराई है अच्छे से और लाइट का जो एक फ्यूज़ जो हमने पहले पिछली वीडियो में कुछ बताया था कि वो हो गया था फ्यूज़, ये वाइट लाइट,
येलो लाइट से हमने सहारा लिया था थोड़ा, तो अभी ये लाइट जो है आपका मज़ा बांधे हुए है। 10% बैटरी होगी शायद, या 11 हो गई हो, लेकिन मेरा फोकस जो है सामने है। इधर उधर देखकर कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बता दूं। जो ये लाइट की जो वाइडनेस है ना, अच्छी खासी चौड़ी है, इधर और इधर दोनों तरफ। अगर मैं पास से भी गुजरूंगा किसी वाइल्ड लाइफ के तो नज़र आ जाएगी, लेकिन मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा क्योंकि रात है। ज़रूरी नहीं कि एक हाथी हो, कई बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है कि 13 हाथी 15 हाथी ऐसे ऐसे ग्रुप में यहाँ वैसे चलते हैं। एकड़ हाथी से कभी सामना नहीं हुआ ऐसा यहाँ पर। और बाकी देखते हैं, अभी जंगल बाकी है, बने रहे वीडियो के साथ। और बाकी आज के दिन तो बहुत अच्छी साइटिंग भी हो गई है, हमें कम से कम 6 प्रकार की वाइल्ड लाइफ आपने देख ली है, तो और क्या चाहिए आपको। हमने पूरा सफारी का मज़ा दे दिया है। कभी कभी आप अगर सोचेंगे सफारी पर भी जाएंगे ना, तो 0 साइटिंग होती है। कभी कभी हो सकता है हिरन दिख जाए, क्योंकि आप बिल्कुल डेंस एरिया में जाते हैं और अच्छे एरिया में जाते हैं, यहाँ पे चांसेस होते हैं ज़्यादा साइटिंग के। मेरा कहना यह है कि आप लोग कभी भी उम्मीद बनाकर ना जाएं। जब आपने उम्मीद बना ली ना कि अरे आज तो टाइगर मिल जाएगा क्योंकि मैंने सफारी करनी है या मैं सफारी पर जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सफारी सिर्फ नाम है, जिप्सी आती है ले जाती है, बाकी काम है थोड़ा नसीब का भी और टाइमिंग का। सबसे बड़ा महत्व रखती है टाइमिंग, सही समय पर आप मौजूद होने चाहिए, वो वाइल्ड लाइफ आपको दिख जाएगी। अगर वो क्रॉस कर रहा है, ये खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, या ऊपर पेड़ पर बैठा है, लेपर्ड जैसे टाइगर ग्रासलैंड में बैठा है, या जंप मारता हुआ जा रहा है, बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, एक्टिविटी होती हैं, वो आपको देखने को मिल जाती हैं एज अ परफेक्ट टाइमिंग पर। मतलब जब परफेक्ट टाइम होगा तभी आप साइटिंग कर पाएंगे, नहीं तो कभी कभी सामने हो के भी चीज़ निकल जाती है और आप ना अपना कैमरा ऑन कर पाते ना कुछ। तो इसलिए जो भी मिलता है उसे पहले निहार लें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आँखों में रहता है और दिमाग में भी रहता है। अभी हम पावलगढ़ गेट को क्रॉस करके आए हैं और अब जा रहे हैं थोड़ा ऊंचाई की ओर, मतलब कोटा बाग की ओर। और बैटरी अभी 7%, तो देखते हैं बैटरी कितना साथ देती है हमारा। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एरिया है, यहाँ भूस्खलन अच्छा खासा हो जाता है। ये शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, मतलब शिवालिक पहाड़ियों में होते हैं ज़बरदस्त जंगल। ये हरा भरा इलाका है पूरा, वो आप देख सकते हैं वीडियो में। बाकी जहाँ तक मैं दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ उसके बारे में, वो बता रहा हूँ आपको। और मुझे लगता है कि आवाज़ भी थोड़ा बहुत सही आ रही होगी आपको, उम्मीद करता हूँ मैं, क्योंकि सब जो हो रहा है आप लोगों के लिए हो रहा है कि अच्छी वीडियो क्वालिटी, अच्छी ऑडियो क्वालिटी आप लोगों को हम दे सकें। वीडियो असली चल रही है, क्या पता कुछ भी यहाँ से क्रॉस कर जाता है। अक्सर कई बार हमने एक बार तो जंगल कैट यहाँ से क्रॉस होते हुए देखी है, और एक बार तो यहाँ या इससे ऊपर वाले मोड़ पर इंडियन पाम सीवेट को क्रॉस करते हुए देखा है। भाई थोड़ा हिमालय के पास के जुड़े हुए इलाके हैं थोड़े, तो कभी कभी वाइल्ड लाइफ जो है नीचे की ओर आ भी जाती है, हो सकता है हिमालयन पाम सीवेट भी देखने को मिल सकता है। और मैंने यहाँ पर एक तो मेंढक, मैंने 2 प्रकार की प्रजाति देख ली है सीवेट की। इंडियन पाम सीवेट तो मैंने 4 बार देख लिया है। ओहो वाह क्या मोड़ है। इंडियन पाम सीवेट तो मैंने 3-4 बार देख लिया है, लेकिन एक जो सीवेट है पाम सीवेट शायद, हाँ, जिसको वो गिलहरी ऐसी लाइनें होती हैं काले और सफ़ेद रंग की, वो सीवेट वो मुझे एक ही बार मिला था। बहुत बड़ा मिस कर रहा था, जैसे मैंने भालू को मिस किया था वैसे ही। मोबाइल हाथ में था, अब जब वीडियो प्ले करी, जब तक वो प्ले हुई वीडियो तब तक वो अंदर जा चुका था अपनी मांग में। ऐसे ही होता है, कभी कभी हम वाइल्ड लाइफ को मिस कर देते हैं, कभी कभी बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं, और कभी कभी वाइल्ड लाइफ ऐसा रुक जाती है आपके लिए कि वहीं, जैसे मान लीजिए समय थम गया हो, ऐसा थम जाती है कि मुझे निहारिए आप, मुझे कैप्चर करिए, जो कर सकते हैं जितना टाइम ले सकते हैं लीजिए। जैसे कि आज हमें दी साइटिंग हिमालयन गोरल ने, जी हाँ। और जो येलो थ्रोटेड मार्टिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा शर्मीले भी होते हैं और पेयर में रहना पसंद करते हैं,
और रुकते नहीं है एक जगह, इधर उछल कूद करते रहते हैं जैसे कि आपने देखा वीडियो में, अगर आई होगी वीडियो तो। बस यही चीज़ें हैं, हर चीज़ को समझना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अभी थोड़ा बहुत जितना जानते हैं वो बता रहे हैं आपको, और भी अच्छा प्रॉपर वीडियोस बनाकर आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में भी जानकारी देंगे इन फ्यूचर। तो लीजिए जी चढ़ाई ख़त्म। ओ भाई अच्छा अच्छा मैं समझा हाथी तो नहीं है, क्योंकि ये हाथियों का इलाका है। मैं आपको दोस्तों बता दूं पहले, सामने से गाड़ी आ रही है उसकी रोशनी है, लेकिन ये हाथी मैंने देखे हैं। जो चीज़ इंसान एक बार देख लेता है ना तो बहुत अच्छा इंसिडेंस होता है, वो भूलता नहीं है। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग।